चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, नाम क्या है इसका? ऑसिलेशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहले भी पढ़ा हुआ है हम लोग ने, कहाँ पढ़ा हुआ है हम लोग ने, पढ़ा था ना कि स्प्रिंग और फिर आपका एक ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो कहीं ना कहीं वापस से रिपीट होने वाला है, लेकिन इस बार हम लोग पहले हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स के लिए। क्यों पढ़ा था उसको? स्प्रिंग फोर्स निकालने थे और वहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ा था? F = -kx। क्या था? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था। अब इस चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के x की बात ज्यादा करेंगे। ठीक है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है और किस तरीके से। ठीक है, देखो तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो क्या है? पीरियोडिक मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। कोई भी मोशन जो रिपीट हो जाए इटसेल्फ में आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कह रहे हैं कोई मोशन हुआ, जैसे मान लो मैं यहां से वहां गया, ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा, फिर मैं वापस आया, कुछ टाइम लगा होगा, अब मैं वापस से जा रहा हूँ। देखो अब ये एक्चुअल में गया और आया, एक कंप्लीट साइकिल हो गई। अब फिर एक टाइम लगा होगा, फिर उतने ही टाइम में अगर मैं वापस से जाऊं और वापस से आऊं तो एक ऐसा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। समझ में आ गया? जो रिपीट करे इज कॉल्ड, फिक्स टाइम होना चाहिए, टाइम के बाद ही रिपीट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं गया और वहां से तेज स्पीड बढ़ा ली और यहाँ आ गया और फिर मैं अलग स्पीड जा रहा हूँ, तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि यार? पीरियोडिक मतलब जिस रेट से मैं गया किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट और फिर बी से सी, बी में किसी एक रेट फिक्स रेट से आया और फिर वापस से मैं जब रिपीट करूंगा तब भी रेट सेम ही होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, ये हो गया पीरियोडिक मोशन और ये इसी कहते हैं हार्मोनिक मोशन। द कॉन्स्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आ गया? जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, 365 दिन जो कहते हैं, एक साल को एक साल 365 या 366 दिन में ही क्यों मनाते हैं? इतना टाइम लगता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अर्थ को करने में सन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अपने ही एक्सिस के अलोंग एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, है ना। तो उसको डे कहते हैं। मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, तो जो आपकी वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम होता है उसका मोशन भी क्या होता है? ठीक है, ठीक। इसकी एक मीन पोजिशन यानी इनिशियल पोजिशन को माना जाता है बीच में, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ से ये गया फिर वापस आया, फिर यहाँ से इधर गया फिर वापस आया, तो जब ये गया वापस आया फिर गया फिर वापस आया, तो जब ये x is equal to 0 पे वापस हो जाएगा तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। पता है कि नहीं पता है? यहाँ से ये कुछ गया प्लस x, फिर माइनस आया होगा, फिर वापस 0 पे आया, फिर 0 से माइनस x गया, फिर से 0 पे आया होगा, तो वापस से जब फाइनल 0 पे आएगा तो उसको कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इसमें इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोटेड डाउन। नेक्स्ट होता है ऑसिलेटरी मोशन। देखो पीरियोडिक ऑसिलेटरी अलग अलग है। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट इज कॉल्ड मीन पोजिशन, जैसे कि मैंने पीछे यूज किया हुआ, या फिर इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, जैसे वाइब्रेशन ऑफ वायर ऑफ सितार, सितार होता है ना, पहले एक वायर अपना ऐसे है ना, जब उसको आप वाइब्रेट फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, लेकिन हमेशा एक ही पॉइंट से होकर कुछ देगा, वही उसकी मीन पोजीशन हो गई। ऑसिलेशन ऑफ द मास सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से, दूसरा फिगर देख लो, एक स्प्रिंग से हमने क्या कर दिया, एक मास को अटैच कर दिया और इसके ऊपर एक फोर्स लगा देंगे, तो ये क्या करेगा? वापस से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट हार्मोनिक मोशन या फिर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, देखिए द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी भी एक ही हो, ठीक है, इज डिफाइंड एज हार्मोनिक फंक्शन अमंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। जैसे ओनली साइन या फिर कॉस फंक्शन आर टेकन एज हार्मोनिक फंक्शन इन बेसिक फॉर्म, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स इसको कहते हैं, या फिर साइन वाई कॉस वाई, वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता फंक्शन आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होते हैं आपके हार्मोनिक फंक्शन। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं, फंक्शन बनाना चाहते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, समझ में आ गया, और हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा थीटा, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर किसी को नहीं आ रहा है थोड़ा सर्कुलर मोशन पढ़ लेना भैया जाकर के, ओमेगा होता था एंगुलर वेलोसिटी, थीटा होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, और कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर ए
समझ में आ गया कि नहीं? लिखो इसको, दीज आर द हार्मोनिक फंक्शन, इसे कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन. क्या कहते हैं? हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि कब हार्मोनिक नहीं होगा. ठीक है, कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी नॉन हार्मोनिक. ठीक है, तो जो कंडीशन है हार्मोनिक की वो मैं सेटिस्फाई करो, जैसे कि ए इज नॉट कॉन्स्टेंट, एम्पलीट्यूड इज नॉट, एम्पलीट्यूड क्या है इसमें, ये ए को ही तो बेटा एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना हो तो ये हार्मोनिक नहीं रहेगा. ठीक है, और अगर हमने कोई भी फंक्शन अदर देन साइन कॉस को छोड़ करके, ठीक है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ, क्या लिख दिया, टैन कॉट सेक एटसेट्रा, इनके बना दिए, तो आपका कभी भी नहीं हो सकता कोसेक फंक्शंस. ये क्या है आपके, अगर ए कांस्टेंट और आपने टैन कॉस सेक कोसेक का ले लिया तो फंक्शन में कभी हार्मोनिक नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़ जाएं. नेक्स्ट, कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर में जो आपको मिलेंगे. पहला है मीन पोजीशन, द पॉइंट एट विच द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इज नोन एज मीन पोजीशन. ऐसा पॉइंट जहां पर आपका रीस्टोरिंग बल क्या है, जीरो हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम, वही पॉइंट होगा आपका मीन पोजीशन. एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल की होती है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड. उसके रेफरेंस, मीन मतलब रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में आप चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वही उसका एम्पलीट्यूड होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे फिर से बता देता हूँ आखिरी बार, एक स्प्रिंग पे से मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया. इस ब्लॉक, जब मैंने अभी इसको कोई फोर्स नहीं लगाया है, जब नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, तो इसकी जो रेफरेंस पॉइंट होगी वही हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन. अब मैंने कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके ये ब्लॉक कहाँ पहुंच गया, ठीक है, इसको डॉटेड बनाना था ऐसे, ये इसका नया पॉइंट है. ठीक है, अभी जो एक्सपेंशन जो आपको हमने डॉट बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक किसी एक्स तक पहुंच गया. ठीक है, तो ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है. जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो क्या है आपका, यस. ठीक है, आगे बढ़ जाएं. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रीस्टोरिंग फोर्स. अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में पहले से पता है, मैं यही लिख दूं क्या रीस्टोरिंग फोर्स, यही लिख देता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स. तो आपको अच्छे से पता है कि ये वो बल होता है जिससे बॉडी अपने पुराने स्टेट में पहुंचने की कोशिश करती है ना, या फिर चेंज के अपोजिशन में एक बल लगाती है. तो जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है ये, तो रीस्टोरिंग क्या होगा, इसके अपोजिट होगा कि नहीं होगा. तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, माइनस ऑफ के एक्स, है ना. लिखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच टेंस टू ब्रिंग द पार्टिकल विच टेंस टू ब्रिंग द पार्टिकल टू इट्स मीन पोजिशन is known as restoring ठीक है f r it is equal to minus of kx for spring. किसके लिए, स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ kx. k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट. k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है बेटा, लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां ऐसे लिख देता हूं, एफ आर विल ऑलवेज बी इन अपोजिट टू
एफ एक्सटर्नल, अब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना पता है आपको, है ना, ये हमेशा एक्सटर्नल बल के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड, हो गया, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट सेटिंग लिखिए टाइम भी, लिखिए इसके अंदर द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल keeps on repeating its motion is called time, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। इट इज गिवन बाई it is given by t is equal to 2 pi by omega, chalo dekho, given by t is equal to 2 pi by omega, theek hai, ya fir t is equal to 1 upon n, n matlab frequency hota hai, theek hai, n kya hai, frequency। ab baat karte hain oscillation ya fir वाइब्रेशन की, ये हो गया बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स तो पहले ही बता दिया ना, ये डन हो गया है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, नेक्स्ट स्टडी क्या है, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, व्हेन पार्टिकल गोज ऑन वन साइड फ्रॉम अ मीन पोजीशन एंड रिटर्न्स बैक एंड देन इट गोज टू अदर साइड एंड अगेन रिटर्न्स बैक टू मीन पोजीशन, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज वन ऑसिलेशन। समझ में आया, तो जो पेंडुलम वाला एग्जांपल था वो परफेक्टली कहां फिट होता है, यहां फिट होता है कि नहीं होता है, वो मीन पोजीशन से किसी एक डायरेक्शन जाता है, चाहे वो प्लस पॉजिटिव हो या नेगेटिव मान लीजिए, फिर वो जाता है, फिर वापस आता है मीन पोजीशन पे, फिर वो चला जाता है दूसरे डायरेक्शन में और फिर वापस मीन पोजीशन में आता है, इसी प्रोसेस कहते हैं आपका क्या बन जाएगा, ऑसिलेशन। तो जैसे मान लो ये देखो, ये आपको अगर देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, t = 0 पर x की वैल्यू कितनी है 0, फिर वो इंक्रीज होती 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 और फिर वो एक मैक्सिमम जाती है, बगल में अगर एक डायग्राम बन जाता तो और बढ़िया हो जाता, या एक एनिमेशन होता पेंडुलम का तो और बढ़िया होता, लेकिन हम बना देते हैं कोई बात नहीं। ये क्या है, दिस इज योर मीन पोजीशन, ये है दिस इज योर x = 0 एट t = 0, तो आफ्टर सम टाइम जब ये मोशन करना स्टार्ट करेगा ये कहां रीच कर जाएगा, यहां पर करेगा कि नहीं करेगा, तो इसकी जो पोजीशन चेंज आई वो कितनी आई, x और टाइम कितना लग गया t1, है ना, फिर वापस से ये क्या करेगा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, फिर कहां जाएगा, x = 0 पर एट t2, x = 0 पर यहां से एट t2, मैं दिखा देता हूं कि t1 कहां होगा और t2 कहां होगा, दिस इज योर टाइम t1, दिस इज योर टाइम t2, बट द x इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दिस क्या होगा, फिर से ये रिवर्स ऑर्डर में आगे जाएगा, है ना, और ये कहां पहुंचेगा, यहां कहीं पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर माइनस x, दिस इज योर माइनस x एट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t3, ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू t3, कहां गया माइनस x, देखिए कहां पहुंच गया माइनस x, देखिए ये माइनस x हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू t3, t is equal to t4 पे वापस से ये कहां आएगा, वापस से t4 पे x is equal to 0, x is equal to 0, देखिए x is equal to 0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये पहली प्लस x, ये है प्लस x से 0, मैं लिख देता हूं, चलो रट जाओ इस बात को, ये आ जाएगा इसको ऐसे मान लो 0 to x, फिर ये x to 0, फिर 0 to minus x, फिर माइनस एक्स टू जीरो, खत्म हो गया एक साइकिल, और फिर वापस से अगेन रिपीट रिपीट रिपीट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा इतना टाइम लगा इसको इतना मोशन परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गया, बना डालो, लिख डालो यार, इंटेलिजेंट हो। ऑसिलेशन समझ गए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। हम जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, मतलब जैसे मान लो एक वन ऑसिलेशन आपके सामने हुआ, फिर दूसरा ऑसिलेशन भी होगा, तीसरा, मान लेते हो 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन हो गए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकेंड यूनिट होती है ना, तो हमारा कौन टाइम टेकन। या फिर अगर आपको पता है टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा है, टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा है, तो एन इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, यानी कि 100 इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस, फटाफट लिखो, बहुत इजी चैप्टर है, सबका नंबर आता है इसमें, आपका भी आएगा भर भर के, ठीक है, हो गया, जल्दी करिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है फेज, क्या है फेज, ठीक है। फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द स्टेट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल रिगार्डिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एट दैट पर्टिकुलर स्टैंड। किसी भी इंस्टेंट पर आपसे पूछेंगे तो उसकी जो पोजीशन या फिर उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट जो करता है वो किसको करता है, फेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको गिवन कैसे करते हैं, y is equal to a sin omega t plus phi। जिसको समझ नहीं आता, इसको लगता नहीं सर कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं, है ना, पहले इतना आसान पढ़ा रहे थे क्या, अब इतना कॉम्प्लिकेट करने लगे। आपको पता है थीटा आप यहाँ जब लेते हो तो इक्वेशन क्या बनेगा, y is equal to a sin omega t, है ना, या फिर a sin थीटा। मैंने कहा भाई नहीं, मैं यहां से स्टार्ट ही नहीं करने दूंगा आपको, मैंने कहा कि चेंज कर दिया, मैंने कहा इतना हेल्प मैं आपकी खुद कर दूंगा, मैंने कहा फाई एंगल मैं खुद अपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा जो कि आपका फोर्स नहीं है, आपको मैंने फाई पर दिया, मैंने कहा इसके बाद तुम शुरू करो, इसके बाद तुम शुरू करो। तो इसका इनिशियल फेज कितना था, फाई, इतना था इसका इनिशियल फेज, तो फाई ये एंगल से आगे की तरफ ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुका था, समझ में आया। जब तुम लगाओगे ए साइन में तो टोटल कितना हो जाएगा, अब यहां से ओमेगा टी बनेगा तो ओमेगा टी प्लस फाई जाएगा और ओमेगा टी प्लस फाई वापस आएगा और फिर जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई और फिर आएगा ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो टोटल एंगल बनेगा, अब यहां से तुमने एक्स्ट्रा बनाया ओमेगा टी ना भैया, है ना, टोटल एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, और जब यहां से गया तो वापस भी कहां आएगा, यहीं पे आकर रुकेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरीके से पढ़ा जाता है। द क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस रिप्रेजेंट द फेज एंगल एट दैट इंस्टेंट, द फेज एंगल एट टी इज इक्वल टू 0 इज नोन एज इनिशियल फेज। तो ये क्या है, मेरी इस समय t इज इक्वल टू 0 पर मैंने बोला कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल फेज कितना हो गया, 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 5। तो जब t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, नहीं समझ नहीं आ रहा तो अभी फिर से देख लो, यहां से तू t 0 पुट करेगा तो बचेगा क्या, 5 पुट बचेगा ना, तो 5 वो है कि जो स्टार्टिंग में हमें पहले से एक्स्ट्रा मिल गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वही होता है इनिशियल फेज या फिर epoch भी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये समझ लो कि जीरो से ना स्टार्ट करके हम कुछ एक एंगल से स्टार्ट करें या किस कुछ चीज आ जाए डिस्प्लेसमेंट में, मतलब कुछ पहले से डिस्प्लेस हो रखी है बॉडी, जीरो से हमेशा स्टार्ट होती है ना कि जीरो से गए 10 मीटर गए स्टेट लाइन गए तो 10 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हो गई। मैंने कहा नहीं हम जीरो से नहीं, हम 2 मीटर से स्टार्ट कर रहे हैं, जब ऑब्जर्वर आया तब मैंने, जैसे होता है प्रैक्टिकल में स्कूल वाले टीचर टीचिंग चीटिंग करा देते हैं, कभी कभी हेल्प कर देते हैं बच्चों की, फाइल पहले लिखवा रखी है, ऑब्जर्वर आया फाइल पहले लिखी हुई है, आते हैं तो देते हैं ना ये वाला एक्सपेरिमेंट है लिख के दिखाओ, तो तुम लिखते हो, ऑब्जर्वर के आने से पहले तुम्हारे लिखा, तो इनिशियल फेज तुम्हारा फाइल है, फाइल कंप्लीट हो चुकी है, एक टास्क कंप्लीटेड, अब वाई वाले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे ही आपका ये मोशन होना था जीरो से, फाइव ऑलरेडी हो चुका है, फाइव एंगुलर डिस्प्लेस ऑलरेडी हो चुका है, और उसके आगे जो हो रहा है वो ओमेगा टी हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया द डिफरेंस ऑफ टोटल फेज एंगल, नीचे द डिफरेंस ऑफ टोटल फेज एंगल ऑफ टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन इज नोन एज फेज डिफरेंस। ऐसे मान लो कि पहला पेंडुलम है, ठीक है, पहला पेंडुलम है, उसमें हमने फाई वन दिया शिफ्ट, ठीक, दूसरे वाले में हमने फाई टू दे दिया, तो अब दोनों के उसके बाद, लेकिन जो मैंने दिया मैंने कहा बराबर जाएगा ओमेगा टी इसका भी जाएगा ओमेगा टी इसका भी जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन और दूसरे का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
इसमें देखा कि फेज डिफरेंस निकालना है तो क्या जाएगा, दोनों का जो एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर कह सकते हैं पाई टू माइनस पाई वन। अगर निगेटिव आ गया तो जिसका निगेटिव आ रहा है उसमें दूसरी वैल्यू बड़ी थी और पहली वाली छोट हो गई। समझ में आ गया कि आ गया? तो यहाँ पर देखिए टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल आर सेड टू बी इन सेम फेज इफ द फेज डिफरेंस क्या जीरो हो जाए या फिर इवन इवन मल्टीपल। ठीक है, देखिए डिफरेंस बिटवीन देम इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और जब भी ऐसा होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हमेशा वो क्या कहलाएंगे, सेम फेज में कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल आर सेड टू बी इन अपोजिट फेज इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में आ रही है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, अपोजिट फेज में होंगे। मतलब पहला अगर इधर जा रहा है दूसरा किधर जाएगा, इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसे अगर दो अलग अलग पेंडुलम मोशन कर रहे हैं उनके अंदर फेज डिफरेंस क्या है, इवन मल्टीपल है टू का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो एक पहला भी गिर जाएगा और दूसरा भी गिर जाएगा। मैंने ये नहीं बोला दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे लगता है ना कि दो लोग जैसे साथ में ये झूला झूल रहे हैं तो होता है ना स्विंग वाला जो झूला होता है, साथ में दोनों आगे चल रहे हैं साथ में दोनों पीछे, अगर वो डिस्टर्ब कर दो एक को आगे ढकेले एक को पीछे तो ऐसा लगेगा जब वो आगे आ रहा है इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट फेज हो गया। अब दोनों जब आगे जा रहे हैं और दोनों पीछे आ रहे हैं क्या सेम फेज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो रहा है। चलिए इतना लिख लीजिए उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट ये हो गया। यस चलो ये लिखो। चलिए अगला एडिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। ठीक है, फिर भी दोबारा पढ़ देता हूँ। लिखिए इसके अंदर The rate of change of phase angle, of a particle with respect to time is defined as its angular frequency. ठीक है, its angular frequency. ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर। ये तो पहले से पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, है ना। SI यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, और डायमेंशन भी लिख लो। क्या हो जाएगा डायमेंशन बताओ, ये बताओ तो जाने। हाँ हाँ, क्योंकि रेडियन क्या हो जाएगा, एंगल की एसआई यूनिट होती है। एंगल एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मानी जाती है और उसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है। सो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी पावर माइनस। वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। लिखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ particular direction at any instant, किसी भी instant पर, या मतलब t is equal to मैंने बताया 2 second बताओ, तो किसी भी particular time frame की बात हो रही है। ठीक है, of time is known as, of time is known as instantaneous displacement. भाई तो क्या खा के आया आज, तो बताइए जरा। आवाज नहीं निकल रही।
देखिए है टाइम टी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस. अब देखो वाई और एक्स से आप कंफ्यूज मत हो ना, वाई भी वही सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और एक्स भी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिए वेयर फाइ इज इनिशियल फेज एंगल, वेयर फाइ इज इनिशियल फेज एंगल. ठीक है एंड ए इज एम्पलीट्यूड और ए क्या है एम्पलीट्यूड. ठीक है ये हो गया. नेक्स्ट अब हेडिंग स्टार्ट हो रही है मेन आपकी सिंपल हार्मोनिक. चलो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ऑफ टू टाइप. ठीक है एक होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक होता है एंगुलर. लीनियर का एग्जांपल बहुत सिंपल है, एक आप बॉल ले लीजिए उससे एक स्प्रिंग को अटैच कर दीजिए, उससे एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दीजिए और जब बी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एफ लगता है तो वो एक अपनी मीन पोजीशन से क्या होगा भाई स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ एक्सपैंड होगा. ठीक है आफ्टर सम टाइम वो इस पॉइंट तक पहुंचेगा फिर वापस से क्या आएगा कंप्रेस होगा. तो पहले क्या होगा इसका इलॉन्गेशन, बाद में क्या होगा कंप्रेशन. जो ये मोशन करेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो किसी प्रकार का एंगल नहीं बना रहा है. दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. ठीक है अब एंगुलर की बात करते हैं. एंगुलर के लिए सिंपल पेंडुलम. ठीक है सिंपल पेंडुलम जो करता है मोशन वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन से एंगल क्रिएट करता है. देखो ना ये एक एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तो ये जो एंगुलर चेंज आता है इसलिए इसको कहते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक तो ये आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, मुझे नहीं लगता डेफिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि एंगुलर क्यों है और समझ में आ रहा है. इंपॉर्टेंट क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कहलाएगा जब वो ऑसिलेटरी मोशन होगा. हार्मोनिक मतलब हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका एक एम्पलीट्यूड होता है और एक फंक्शन होता है जो कि साइन का हो या फिर कॉस का हो. जब भी आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इसका लिखेंगे और ऊपर वाला लिखेंगे दोनों का आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फिर लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. दोनों में साइन मतलब जो कंडीशन है हार्मोनिक की वो सेटिस्फाई हो रही है और दोनों अलग अलग प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑसिलेटरी मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बन सकता है और हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वही हार्मोनिक मोशन कहलाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कि होती है एक एम्पलीट्यूड होना चाहिए जो कि देखो इसका मैक्सिमम जा सकता है तो सर वापस आएगा फिर से मैक्सिमम कंप्रेशन देगा. जितना इसका इलॉन्गेशन होगा उतना ही कंप्रेशन होगा. तो इसका एम्पलीट्यूड आपको दिखा दिया मैंने जो कि कांस्टेंट है और अब ये जो वेरी कर रहा है जो ये वेव फॉर्म कर रहा है वो वेव कैसी है वो आपकी साइन या फिर कॉस वेव ही हो सकती है. वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नहीं पढ़ाया था ना मैंने. अब देखो दिखाता हूँ क्यों साइन आया, क्यों ये हार्मोनिक बना. ये मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया तो हम क्या कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम अलग रीडिंग ले रहे हैं. ठीक है हमने एक ब्लॉक को खींचा, ठीक तो हमें पता है कितना वो डिस्प्लेस हुआ क्योंकि हमने मार्किंग कर रखी थी रूलर पे. ठीक जब उस रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट रेट पे नहीं हो रहा, हमने फोर्स इंक्रीज किया जो कि कांस्टेंट रेट नहीं था. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम बराबर रेट से इंक्रीज कर पाते फोर्स और बराबर रेट के करने के बाद ये अगर बनता तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा. जब आप कभी खींचोगे आपको पता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे दम ज्यादा लगेगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है तो फोर्स जब ज्यादा, स्प्रिंग कभी खींची नहीं है क्या? हल्का खींचने में दम नहीं लगता उतना, फिर ज्यादा खींचना है तो बहुत फोर्स. तो कॉन्स्टेंट रेट पे फोर्स चेंज नहीं होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर्व कभी बन ही नहीं सकता, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता. ठीक तो इसको एक इंक्रीजिंग कर्व बनाया. ठीक मैक्सिमम कितना जा सकता है वो आपका एम्पलीट्यूड हो गया, फिर डिक्रीज करके जीरो. तो इसी हिसाब से डिक्रीज भी उतनी तेजी से नहीं होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा. तो अगेन कर्व फिर जीरो से फिर से कंप्रेशन
और फिर वापस से मीन पोजिशन तो इलोंगेशन और मीन पे आकर रुक गया, ये हो गया एक, समझ में आया नहीं है? और ये किसका कर्व है? ये साइन का कर्व है, किसका कर्व है? साइन का, समझ में आया? इसलिए ये हार्मोनिक के लिए सुटेबल था, इसीलिए हमने ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी को ही सिर्फ किया। अब कहोगे सर साइन तो कह दिया कॉस क्यों? तो भैया मैंने कहा तुमने मीन से नहीं स्टार्ट किया, तुम ऑलरेडी खींच के पकड़े हो, तुम ऑलरेडी स्प्रिंग को ऐसे खींच के होल्ड कर रहे हो प्लस एक्स पे, तो प्लस एक्स पे मतलब जीरो पर कहां हो तुम? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, छोड़ोगे तो वापस से जीरो की तरफ, फिर क्या होगा? कंप्रेशन, फिर क्या होगा? इलोंगेशन, फिर जीरो पे नहीं रुकेगा क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स था, फिर वो कहां जाएगा? फिर से मीन पोजीशन से क्या हो गई? प्लस एक्स, कौन सा बन गया? कॉस, समझ में आया? अगर ये आ गया आपको तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया? तो साइन और कॉस इसलिए होता है, इससे डिटेलिंग आपको कोई बताएगा नहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अब तो बता लोगे ना किसी को SHM क्या होता है? चलो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने बता दिया, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बता दिया मैंने ऑलरेडी, ये भी बता दिया है, ठीक है? अब ये लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई करेगा तो वही मोशन कभी भी आपका सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। मोशन ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी, क्योंकि सिर्फ ऑसिलेटरी ही है जो हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। मैंने अभी ग्राफ भी दिखाया था, उससे आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल शुड बी कंजर्व, जितनी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगी हमेशा कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा तभी वो आपका एसएचएम हो सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड, जैसे कि एम्पलीट्यूड। इन लीनियर एसएचएम द रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसको मैं फिगर से समझाऊंगा, अगर ये समझ में आ जाएगा समझना काम आपका आसान हो गया। जब भी मेरे भाई इस पर बल लगेगा तो बाहर लगेगा, ठीक है? रीस्टोरिंग क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। जब आप इसको रिलीज करोगे मेरे भाई, तो इधर इसको लेकर के आना चाहिए मीन पोजीशन पे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब है रिटार्डिंग मोशन नहीं हो रहा है, आपने फोर्स लगा दिया और स्प्रिंग खींचती जा रही है, समझ में आया? नहीं है? फिर से ये बताओ, अगर तुम भाग रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे शरीर पे एक रस्सी बांध ली हमने, ठीक, और रस्सी मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ में है और तुम भाग रहे हो, फोर्स लगा, तुम्हें ये है पता कि ये तो खींच लेंगे, हमें रोक लेंगे, मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जब मेरा ज्यादा होगा तभी रुकोगे कि तुम? हल्का से पकड़े है, तुम्हारा फोर्स ज्यादा, तुम जाते जाओगे, रुकोगे क्या? ब्रेक लगाते हो, अगर ब्रेक हल्का से लगाओ और सामने खड़ा है कोई, ठीक है, और तुमने हल्का सा पेडल पे पैर रखा, ठीक, और जितना सफिशियंट फोर्स चाहिए इतना नहीं लगाया, मोमेंटम ज्यादा है तो गाड़ी रुकेगी, ठोक देगी, समझ गए? एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की तरफ होता है कि नहीं होता? तो रिजल्टेंट फोर्स रीस्टोरिंग का ज्यादा होगा तभी तो ये रुकेगा, नहीं तो रुकेगा कहां? एम्पलीट्यूड का आएगा, डिफाइन हो सकता है एम्पलीट्यूड, नहीं हो सकता है, फिर कोई पता नहीं, जब तक खींच सकता है खींचो, नहीं तो तोड़ देना, मेरी बात समझ गए? समझ गए? तो इसका मतलब भैया जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डिंग होना चाहिए, होना चाहिए, तो मोशन अगर इधर हो रहा है ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन अंदर तो रीस्टोरिंग फोर्स की रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? रीस्टोरिंग ना हो तो स्प्रिंग रोक पाओगे, वो टूट जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही कह रहे हैं इसमें सिंपल सी बात कि हमेशा वो मेन पोजीशन की तरफ, इसकी किसकी तरफ है, ये कौन सी डायरेक्शन है, यही तो है x = 0। इसी प्रकार जब इधर जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन किधर होगा? पीछे की तरफ। ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन की तरह काम करता है, इसलिए ब्लॉक एम्पलीट्यूड ए पर जाकर रुक जाता है, समझ में आया कि नहीं है? ब्रेक लग गए हैं, जब तक वो सफिशियंट है फोर्स की वो ब्रेक के अगेंस्ट लगा था तो मोशन होगा, जैसे ही आपका ब्रेकिंग फोर्स आपका यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स डोमिनेट करेगा वैसे ही ब्लॉक रुक जाएगा, है ना? ये ब्रेक लगा रही है महक, दम मुस्कुरा रही है सपने में अपने, सोच रही है, हम इसको देख रहे थे दो तीन बार लेकिन हमने कहा जाने सोच लें तो पहले क्या हुआ, तुम ब्लॉक पे बैठी थी क्या? आगे की तरफ चल रहे हैं ऐसे होता है ना, एक आया तो 360 डिग्री वाला आएंगे, वो क्या कहते हैं उसको, झूला भी लगा था, हम भी झूले थे उसमें, ही तो सिस्टम है, पूरा जाएगा फिर वापस से, लेकिन वो ऑसिलेटरी था क्या? ऑसिलेटरी था क्या? वो ऑसिलेटरी नहीं था, वो तो कंप्लीट सर्कल कर दिया ना, वो कहां ऑसिलेटरी हुआ, ठीक है?
आगे देखिए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, निगेटिव, क्या है निगेटिव साइन का मतलब है ताकि डायरेक्शन अपोजिट, तो एक्स अगर उधर है तो फोर्स अंदर, और इसी प्रकार से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इन, जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेकिन डायरेक्शन निगेटिव साइन के रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट, निगेटिव साइन शोस दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड वाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आ गया, ये नोट करो। देखो भाई लास्ट है आपका एंगुलर एक्सटेंशन की कंडीशन क्या हो, क्योंकि एंगुलर मोशन में क्या रहता है टॉर्क, ठीक है, तो जो आपका फोर्स लगता है एंगुलर में क्या होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था ना, सर्कल बनता है तो हमेशा क्या होता है सेंटर की तरफ, है ना। तो अब देखो ध्यान से, इसमें दो केसेस होते हैं, एक होता था आपका कौन सा लीनियर एक्सीलरेशन, दोनों का रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता था, एक होता था वेलोसिटी ऑफ द मोशन, है ना, और एक एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में और एक अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या करता था इसको सर्कुलर पाथ पे बनाए रखता था। समझ में आ रहा है, द रीस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो भी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जब आपका पेंडुलम, अगर आपकी पेंडुलम की बात करें तो वो है तो सर्कुलर पे ही ना, देखो जब तक वो किसी भी एक डायरेक्शन में कर रहा है तो उस डायरेक्शन में तो उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, ठीक है, नेगेटिव ऑफ थीटा, ठीक है, या फिर अल्फा, ये क्या है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा हमेशा माइनस ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक हम लोग कंपैरिजन टेबल पढ़ेंगे जिससे सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे आपको। चलो वही पढ़ते रहो, बेटा इसमें सिर्फ डिपेंडेंसी है फॉर्मूला नहीं। चलिए अब देख कंपैरिजन में सारी चीजें वापस से आ जाएगी, इसमें है फॉर्मूला इसमें लिख लो, ठीक है। लीनियर एसएचएम क्या है, आपका फोर्स किस में होता है आपको पता है स्प्रिंग फोर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा एक्ट करता है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए फोर्स अपॉन मास, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा भाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम, अरे एफ की वैल्यू माइनस के एक्स है तो क्या दिक्कत है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमेशा नेगेटिव। ये क्या है जनरल इक्वेशन, इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक, ये इसको जनरल इक्वेशन भी कहते हैं एसएम का, लिख लेना अच्छे से। x is equal to क्या है a sin omega t, ये किसको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वेयर ओमेगा क्या है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर एसएम में आपको पता है टॉर्क क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्शन क्या होती है टॉर्क की हमेशा अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई यहां पर एक कांस्टेंट रहता है c, क्या होता है रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, इसको इसको यहां पर tau is equal to minus c theta इसका फार्मूला है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल है टॉर्क और इनर्शिया का रिलेशन ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, याद है किसी को ये बात, कहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर पढ़ाया गया है ये टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर, ठीक है, या फिर आपको सर्कुलर मोशन के अंदर दो जगह आपको मिलेगा। देखिए टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस सी आई अपॉन माइनस सी आई इंटू थीटा, ठीक है, आई क्या इनर्शिया, ये हो जाएगा आपका डी टू थीटा अपॉन डी टी टू और प्लस सी आई सी अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू जीरो, इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे किसका एंगुलर एसएम का थीटा इज इक्वल थीटा नॉट साइन ओमेगा टी और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा ओमेगा को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या आगे कंटिन्यू करना है इस टेबल को, जितना अभी तक पढ़े हैं सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर मिल जाएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, ये काम आएगा, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के अपॉन एम, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम, ये सारे फॉर्मूले भी यूज होंगे, और कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या टू पाई बाई टी, क्योंकि टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा भी होता है, तो हमने टी को रीअरेंज कर लिया तो बन जाएगा वन अपॉन टी को हम लिख सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी,
ये तीसरा फॉर्मूला। टी क्या है टाइम पीरियड, एन क्या है फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के, दिस इज योर जनरल फॉर्म। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, वन अपॉन टू पाई इंटू रूट के अपॉन एम। समझ में आ रहा है कि नहीं, वन अपॉन टी करेंगे तो एन मिल जाएगा। दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगुलर में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आई। सी क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क कॉन्स्टेंट, आई क्या है इनर्शिया। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा सी अपॉन आई, इसको और कह सकते हैं ओमेगा, अगेन यहां पे भी काम करता है 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू टी, तो टी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, और ये 1 अपॉन टी क्या होता है एन, तो यहां से दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी, क्योंकि इसी को उल्टा करना था। ठीक है, चलो समझ लिया, आगे देखिए, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि आपको पता है एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट सी अपॉन आई। द कांसेप्ट, दिस कांसेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपके कंप्लीट फार्मूला शीट हो गई, किसके लिए, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। डन, चलिए, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तो फॉलोइंग का फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा वाला इसमें से होगा, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, चेक करिए तीनों में, दोनों में से कौन जो सेटिस्फाई करेगा, तीनों में से जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। हां, तीसरा नहीं करेगा, सही कह रहे हो, नहीं करेगा, करो चेक करो, बाकी तो चेक करके दिखाओ ऐसे हवा में, तीसरा नहीं करेगा, बात सही करें भाई साहब, लेकिन अभी करके प्रूफ करेंगे, करिए कहेगा हमने गलती कर दी। चलिए देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन, तो ये क्या दिया हुआ, y दिया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही तो होता है, y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा t। ठीक, ये पहला, तो क्या करेंगे हम, पहले dy by dt करेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे d2y by dt2, इससे क्या मिलेगा, इससे एक्सेलेरेशन मिलेगा, क्योंकि क्या होता है भाई, बताओ, देखो डिस्प्लेसमेंट को डबल डेरिवेटिव करते हैं जब हमें, तो एक्सेलेरेशन मिल जाता है, बिकॉज पहला डेरिवेटिव हमें क्या देता है, वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन क्या होता है बताओ, dv by dt2, तो हमने वापस से v के लिए पुट करेंगे तो क्या जाएगा d2y by dt2, है ना, इसको करते हैं क्या जाएगा, साइन का होता है आंसर, क्या क्या सिखाया था मैंने, इसको मत पढ़ना, जो काम का है वो पढ़ना, ठीक है, 2 ओमेगा एक्स्ट्रा है, टी होना चाहिए था, फॉर्मूला क्या पढ़ाया हुआ है, साइन टी डी बाई डी टी, और साइन टी क्या होता है कॉस टी, लेकिन यहाँ टी ना होकर के 2 ओमेगा टी है, तो मैंने क्या सिखाया था, जो जो हमें पता है वो लिख दो, फिर जो एक्स्ट्रा है उसको फिर से क्या कर दो, डिफरेंशिएट करो, तो किसको करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा कॉमन आएगा, डी टी डी टी कट जाएगा, बचेगा क्या 2 ओमेगा, ये क्या आ गया इसका आंसर, 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 ओमेगा पहले से था, फिर से एक बार और 2 ओमेगा आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी, ये लो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी, यहाँ पर माइनस क्या आ गया, माइनस 4 वाई ओमेगा स्क्वायर, अरे ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये हो गया मेरा एक्स, क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एसएचएम को, रिप्रेजेंट्स, क्योंकि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया, दूसरा भी करके देख लो, दूसरा भी ऐसे ही होगा, दमदार तो है। सेकंड, y इज इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, करके देखो, बताइए मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ ओमेगा स्क्वायर y के टर्म में एक्सेलेरेशन चाहिए, दैट्स इट, क्या करेंगे सीधा d2y by, मैं इस बार डबल डिफरेंशिएट डायरेक्टली करने जा रहा हूं, आप करेंगे कॉपी में और मैं सीधा डायरेक्टली लिखूंगा आंसर। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर, क्यों भाई लिख दिया हमने, मेरा तो आंसर आएगा, तुम लोग देखो क्या लिखते हो, अपना देखो भाई, हमारा मत देखना, हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर कॉस साइन माइनस में फिर साइन फिर प्लस कॉस माइनस, तो माइनस रह जाएगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और ये जाएगा टू रहेगा, ओमेगा आ जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ले भाई हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, जाएगा साइन ओमेगा टी
क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्रूफ हो गया ये क्या है, दिस इज योर एक्सप्रेशन इज क्या जाएगा, जो जाएगा इट रिप्रेजेंट्स जिसको समझ नहीं आया देखो करके दिखा देते हैं। अरे खुद से करो ये सब बहुत बेसिक है, गलत बात है यार डिफरेंशिएशन सिखाया जमाना हो गया हुआ तुम्हारा। नहीं पता, अरे यार देखो हम लिख दे रहे हैं आखिरी बार कर रहे हैं, देखो ये चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ाया था हमने है ना, जैसे डी वाई डी एक्स और साइन एक्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो वर्मा, पढ़े भैया क्या होगा कॉस है, प्रॉब्लम क्या है तुमको, तुमको जिंदगी में प्रॉब्लम ये टू कहाँ से आ गया, टू एक्स का करना हो तो नहीं कर पाओगे ना, क्या है डी वाई डी एक्स, तो मैंने क्या सिखाया सुनो ध्यान से, मैंने कहा टू एक्स मत देखो तुम क्या देखो एक्स देखो, क्या देखोगे एक्स जो है वो लिख दो पहले कॉस ऑफ लिखते टाइम सही लिखना है एक्स मत लिख देना, तो टू एक्स तो क्या लिख दोगे, हमने एक्स मान के इसको टू एक्स लिख दिया, तो उसके बाद मैंने सिखाया वो सुनो ध्यान से, फिर मल्टीप्लाई करो फिर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पर टू एक्स, क्या लिखोगे टू एक्स, जो तुमने माना था उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, टू एक्स का डिफरेंशिएट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, क्या आएगा टू एक्स का झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सर अभी याद नहीं, कोई बात नहीं बोलना चाहिए नहीं है याद है सर, कोई बात नहीं है ये एक सिंपल फॉर्म है ठीक है, देखो x की पावर n ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा cos of 2x मल्टीप्लाइड बाय, देखो 2 एक नंबर है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, तो 2 को बाहर ले लीजिए, बचे क्या d by dx of, अब देखो x की पावर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 1, मुझे क्या दिख रहा है 1, n की वैल्यू क्या है 1 ठीक है, पुट कर दो इस फॉर्मूले में 1 into x की पावर 1 माइनस, और किसी की पावर 0 क्या होता है बताओ, किसी की पावर 0 होती है 1 आता है ना, तो आंसर क्या आएगा 1 into 1, तो देख बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, कटवाने वाले कह देते हैं ये कट गया, कटा नहीं था सॉल्व हो गया वो 1 हो गया ठीक है, 2x into 2 into 1, तो आंसर क्या आ गया 2 cos 2x। अब ट्रिक समझो जिसको नहीं पढ़ने का मन रहता है ना, पढ़ना ही नहीं है, ट्रिक चाहिए सर ट्रिक बताओ, नहीं तो ना बताओ बेकार में पढ़ाओ है ना, साइन ओमेगा टी है ना, ओमेगा निकाल ले साइन टी देख, ओमेगा निकाल लिया साइन टी का क्या होगा कॉस टी, लिखिएगा क्या ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो फिर से देख लिखना सिखा रहा हूँ, एक बार डिफरेंशिएट करना है, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ देखो, देखो जिसको जिसको सीखनी है ट्रिक, डी अपॉन डी टी यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है टी को छोड़ के उसको पहले लिख लो, क्या है यहाँ पर ओमेगा लिख लिया, फिर साइन टी का क्या होता कॉस होता ना कॉस टी, लेकिन लिखोगे क्या कॉस ओमेगा उसको तुम देखोगे ठीक, अब देखो डायरेक्टली आंसर कैसे निकाला मैंने, यहां से एक बार ओमेगा निकला तो साइन ओमेगा टी बन गया कॉस ओमेगा टी, फिर से एक बार ओमेगा निकलेगा जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार टी के सिवा जितना है वो सब बाहर आने वाला है ठीक है, एज इट इज आएगा, तो एक बार ओमेगा पहले निकला था फिर से ओमेगा निकलेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, साइन से बन गया था कॉस, फिर कॉस से बनेगा माइनस साइन, क्या बनेगा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा ठीक, इधर टू था टू को भूल जाओ उससे कोई मतलब बेचारा वहीं से ही पड़ा रहेगा चाहे जितनी बार कर लो, टू को रख दिया फिर मुझे दिखने लगा कॉस ओमेगा टी, फिर मैंने ट्रिक क्या सिखाई ओमेगा बाहर लिख लो, एक बार करेंगे ओमेगा बाहर आएगा कॉस का हो जाएगा साइन, प्लस में होता है वो ठीक है, तो वो प्लस में मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, बन गया 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर से करेंगे फिर से ओमेगा निकाला तो 2 ओमेगा इनटू ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन साइन से करेंगे जब कॉस में तो नेगेटिव साइन है, माफ करना उल्टा बोल दिया मैंने, पहले कॉस से साइन जाएगा माइनस आएगा फिर साइन से कॉस जाएगा तो प्लस आएगा, समझ में आ गया, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस में इस तरीके से मैं डायरेक्टली समझ में आया कि नहीं है, तो ट्रिक पढ़नी है ट्रिक पढ़ लो, फिर मैंने देखा माइनस यहां भी ओमेगा स्क्वायर यहां भी कॉमन ले गया माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा क्या प्लस साइन ओमेगा टी प्लस टू कॉस ओमेगा टी, फिर ध्यान से देखा तो यही तो वाई था ठीक है, ऐसे करना है लास्ट वाला यही लिख दे रहे हैं आंसर, लास्ट वाला यही लिख देते हैं क्यों नहीं होगा, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ ऊपर जो लिखा है सब जी, ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, अब ये कर लेना प्रैक्टिस कर लोगे तो ये डायरेक्टली आंसर आने लगेंगे ऐसे ठीक है, ट्रिक हमेशा नॉलेज से बनती है, ये अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं होता तो तुम नहीं कर पाओगे, अब जैसे कितने लोगों को यही नहीं पता होगा ये ओमेगा क्या चल रहा है सीन यहाँ है ना एक्स्ट्रा क्यों बोलना है, तो बेसिक मैथ जब एक बार कोई पढ़ा रहेगा तभी ट्रिक काम करेगी,
अगर कोई सोचे कि सीरियल ट्रिकी काम कर जाएगी तो नहीं हो पाएगी, पहचान ही नहीं पाओगे अलग क्या है और टी क्या है। जैसे तो जिसको ये नहीं पता कि डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन में टी होना चाहिए तभी डिफरेंशिएट होगा। ये सब बेसिक जब बेसिक मैथ पढ़ के आओगे तभी ट्रिक काम करेगी। चलो भैया आखिरी वाला देख लो तो मैं यही कर दे रहा हूँ सॉल्व, ठीक है जितने में हो जाएगा। तो फिर से डी टू वाई वाई, अब इस बार तुम लोग साथ साथ में ट्रिक तुम लोग यूज करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। तो पहले एडिशन में सबसे अच्छी बात क्या होती है, एडिशन की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अलग अलग करके जोड़ सकते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, याद है ना डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। तो साइन का करते तो ओमेगा एक्स्ट्रा, पहले एक बार ओमेगा लिख लिया, फिर एक बार और ओमेगा आएगा तो पहले ओमेगा स्क्वायर लिख लो, है ना। दो बार होगा ना, एक बार ओमेगा निकाला पहली बार, मैंने कहा जितनी बार करोगे उतनी बार ओमेगा निकाल लो तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब साइन की बात कर लेते हैं, प्लस हो गया माइनस होगा, पहले साइन से कॉस आएगा तो प्लस कॉस ओमेगा टी आएगा, फिर ठीक है फिर कॉस से साइन जाएगा तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना। तो हमें दोबारा नहीं करना पड़ा। फिर अब बात करते हैं कॉस के लिए, तो पहले लिख लो यहाँ पर 2 ओमेगा एक्स्ट्रा है, 2 ओमेगा लिख लिया, प्लस था प्लस छोड़ दो, है ना। 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा कितना हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, एक बार करेंगे 2 ओमेगा निकलेगा, दोबारा करेंगे फिर से 2 ओमेगा निकलेगा, तो 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा कितना हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर। अब फिर इसको करो, अब भूल जाओ 2 ओमेगा नहीं दिख रहा, कॉस टी दिख रहा है ना हम लोग को, कॉस का करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर साइन करेंगे तो प्लस में कॉस आएगा, लेकिन वो माइनस तो रह जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और फिर वापस से जो ओरिजिनल फंक्शन था वही आ जाएगा, दैट इज कॉस 2 ओमेगा। अब अगर हम यहाँ से कुछ भी कॉमन भी ले लेंगे तो भी एक साइन जो है आपका क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा ये साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस। अब ये जो 4 है इसकी वजह से ये एचएम नहीं हो सकता क्योंकि वो वाई बना ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। सो डज नॉट रिप्रेजेंट एचएम, है ना, ये एचएम को रिप्रेजेंट नहीं करता, समझ में आया। तो पहले दो होंगे और तीसरा वाला एचएम नहीं होगा, हो गया भैया। अगला क्वेश्चन इसमें यही है, इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन करो, है ना, और कुछ ना करो, पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन चलता रहेगा और कुछ नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल करो। इफ टू एचएम आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन वाई वन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 10, ए साइन दिमाग में तुरंत आ गई ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, 5 कितना है 5 बाई 4, ओमेगा कितना है 2 पाई 3 पाई माफ करना 3 पाई, ठीक है। वाई टू इज इक्वल टू क्या है 5 साइन ओमेगा टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई, मतलब फिर से ओमेगा टी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओमेगा इज योर 3 पाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे फंक्शंस पढ़े जाते हैं। अब देखो अब ट्रिक सिखा देते हैं फिर से एक बार, पीछे वाला क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था भाई, तुम्हें एक फॉर्म दे रहा हूँ मैं साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी, मतलब क्या एक कुछ भी हो सकता है ना, तुम उसको बी बोल दो, मैं क्योंकि ए से कंफ्यूज हो जाओगे ना, बी बी सम स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो देखो ध्यान से, या फिर यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी ऐसे लिखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी हमेशा एसएम को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही वैल्यू इसमें 1 थी, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ क्या ए कितना है 5, बी कितना है 5√3 पचा, है ना, पहचानते कैसे हैं कि क्या होने वाला है, इससे फायदा क्या होगा अब आप बता देते हैं। एक्सप्रेशन किसने पूछ दिया ये उठा लो, नहीं बचा भाई, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं लिख सकते हैं एक्सप्रेशन का, ओमेगा की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, अरे 3 पाई है, 3 पाई का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर वाई, वाई मतलब वही पूरा इक्वेशन, वही एक्सप्रेशन का इक्वेशन बन जाएगा। किसी ने बोला तुमसे एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगा भाई, ये पूरा वाई है ओमेगा 3 पाई है, एक्सप्रेशन मैंने प्रूफ किया था, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं फिर मैं, हां समझ में आया कि नहीं आया। और ये क्या हो जाएगा बताओ माइनस 9 पाई स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया एक्सेलरेशन का, बताओ अब बताओ पढ़ने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ढंग से पढ़ोगे तो फायदा होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात थी बता दी, नहीं समझ में आई भूल जाओ,
फिर क्या करोगे, जब भूल जाओगे तो कहेंगे करो डिफरेंशिएशन दो राउंड। हमें क्या करना है, अगर सीख रहे हो ध्यान दोगे तो ये सब नहीं करोगे, इंटेलिजेंट बन जाओगे, नहीं तो वही डर्रा रहेगा सिंपल वाला, कहेंगे सर जी हम कर रहे थे 2 घंटा यही है ना, यही कर रहे थे 2 घंटा, इसीलिए जो है पेपर छूट गया। करो फिर क्या करना है, समझ गए कि नहीं समझ गया, ध्यान से पढ़ोगे तो उसका कुछ आपको मिलेगा ट्रिक। ट्रिक कुछ स्पेशल नहीं होता है, ट्रिक आप खुद, मैं इसलिए ट्रिक नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे ट्रिक पसंद नहीं है, ट्रिक वाला बच्चा फिर शॉर्टकट ही देखता है, फिर पढ़ाई छोड़ देता है। एक बार ये लत लग गई, ये वो नशा है जो एक बार लग जाएगा तो फिर पढ़ने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही हो जा रहा तो क्या करेंगे पढ़ के, तो फिर नॉलेज खत्म हो जाएगी, इसलिए ट्रिक वेस्ट ऑफ टाइम है। ट्रिक मुझे सारी जानकारी है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है उसका दिक्कत ये होती है, लैक ऑफ फोकस मेरे से होता है, जल्दीबाजी में जब आप ट्रिक में काम करते हो तो फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, एक्यूरेसी गिर जाती है, इसीलिए कभी कई बार हमको माफी मांगनी पड़ती है क्लास में, ऐसी आपके साथ ना हो, कि हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या रिस्क है, कुछ नहीं, जीरो, आप करेंगे तो गए हो। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फेस डिफरेंस, क्या क्वेश्चन है बेकार सा, कह रहे हैं एम्पलीट्यूड का बताइए रेशियो और फेस डिफरेंस, करो कैसे करोगे, पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, चलिए आज यहीं पर रोकते हैं क्लास को, अगली क्लास में इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो चलिए ठीक है आज के लिए, थैंक यू।